हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिस्कैट के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पर ये टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं और यहाँ पर ब्लॉक कैसे इंसर्ट करते हैं। मगर उससे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉक इंसर्ट करना। तो ब्लॉक मैं हमेशा प्रीमेड यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से स्क्रैच से अगर हर एक ऑब्जेक्ट को ड्रा करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रीमेड ब्लॉक यूज़ करने चाहिए, ताकि आप काफ़ी टाइम सेव कर सको अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर ये ड्राइंग फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की थी। अब इसमें से हम ये ब्लॉक कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इन ब्लॉक्स को हमारी दूसरी ड्राइंग के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम इन ब्लॉक्स को एक एक करके सिलेक्ट करें और उसके बाद कॉपी करें और पेस्ट करें। और जो दूसरा मेथड है दोस्तों, वो क्या है कि हम यहाँ पर बाकी लेयर्स को टर्न ऑफ कर देंगे, सिर्फ ब्लॉक की लेयर को टर्न ऑन रखेंगे। तो मैं यहाँ पर बाकी लेयर्स को टर्न ऑफ कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ हमारे ब्लॉक्स यहाँ पर विजिबल है। तो हम इन सभी ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक लेयर और ऑन कर लेते हैं, वो करते हैं कॉलम की। और यहाँ पर ये कॉलम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कॉलम मैंने रेफरेंस के लिए सिलेक्ट किया है, ताकि हम इसके रेफरेंस से दूसरी ड्राइंग के अंदर ये ब्लॉक एक्यूरेट पोजिशन के ऊपर इंसर्ट कर सकें। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी ड्राइंग ओपन कर लेंगे जहाँ पर हमें ये ब्लॉक इंसर्ट करने हैं। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा इन ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, मूव कमांड लेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट को हम एज ए बेस पॉइंट लेंगे और यहाँ पर हम इसको मूव कर लेंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम इस कॉलम को डिलीट कर लेते हैं जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी ब्लॉक हमारे एक्यूरेट पोजिशन के ऊपर इंसर्ट हुए हैं। अभी यहाँ पर ये जो विंडो है, मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। तो एम एंटर करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर इसको हम ऑर्थो ऑन करके थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये ब्लॉक इंसर्ट करते हैं। अगर आपको इनका स्केल भी अगर चेंज करना है, जैसे ये बेड हमारा 6 फीट का है, तो अगर आपको ये बेड अगर 7 फीट का अगर करना है तो वो आप कैसे करोगे। स्केल कमांड लीजिए, SC एंटर कीजिए, यहाँ पर ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फर्स्ट पॉइंट ये दे दीजिए बेस पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस के ऊपर क्लिक कीजिए और रेफरेंस स्केल में फर्स्ट पॉइंट ये दे दीजिए और सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर ये देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर जितनी भी इस बेड की लेंथ चाहिए वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, 7 फीट, 6 फीट, वो आप यहाँ पर स्केल डिफाइन कर सकते हो इसका। तो मैं यहाँ पर एस्केप की दबा लेता हूँ, क्योंकि हमारा ये बेड एकदम एक्यूरेट डायमेंशन में है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये ब्लॉक इंसर्ट करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर ये टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पर टेक्स्ट। उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर मैजेंटा, ओके करेंगे। उसके बाद ये लेयर पैनल हाइड कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर सबसे पहले ये लेयर सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट की। उसके बाद हम यहाँ पर मल्टी टेक्स्ट कमांड लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये दे देता हूँ और सेकेंड मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, सबसे पहले वॉशरूम एंटर करेंगे, 6 फीट 0 इंच, एक्स 8 फीट 2 इंच। और यहाँ पर पूरे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी जो टेक्स्ट हाइट है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 5। साइड में मैं यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर ओके करेंगे। अब उसके बाद आप देख रहे हो ये टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड में अलाइन है, तो हम इसको मिडल में अलाइन करेंगे। वो कैसे, डबल क्लिक करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिडल सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। अभी इस टेक्स्ट को थोड़ा मूव कर लेते हैं सेंटर में, एम एंटर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी कमांड लेंगे, यहाँ पर ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट ये दे देते हैं, यहाँ पर ये कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, ऑर्थो ऑफ कर लेंगे। एक कॉपी मैं यहाँ पर ये क्रिएट कर लेता हूँ, एक कॉपी यहाँ पर ये क्रिएट कर लेंगे और एक कॉपी यहाँ पर ये क्रिएट कर लेंगे और एक यहाँ पर ये क्रिएट कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर सभी का नेम चेंज कर लेते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और ब्लॉक इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम यहाँ पर डायमेंशन कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय।